सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है। अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है, BGMI आ गया है, इसलिए जो भी जून के एंड तक मेरे पॉपुलैरिटी के टॉप 10 रैंक में होगा, मैं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा और उसे अपने क्लैन में भी ले लूंगा। बस आपको एक रीनेम कार्ड बचा के रखना होगा। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। जैसे कि आप सबको पता है, ये टाइटन स्ट्राइक्स का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, क्योंकि तभी आपको पार्ट 3 समझेगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। हेलो पुलिस। हेलो, इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। सर, मुझे एक कंप्लेंट फाइल करना है। कैसा कंप्लेन? सर, मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया है और मर्डरर मेरा फ्रेंड पायरो है। वो साइंटिस्ट पायरो क्या? हाँ सर, रोही। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसी ने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है? क्योंकि सर, सब कुछ मेरे आँखों के सामने हुआ। मैं घर पे ही थी जब पायरो ने मेरे हस्बैंड को मारा। अगर तुम घर पे थे तो फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करती सर, अब मैं गॉडजिला को थोड़ी रोक सकती हूँ। क्या, अब ये गॉडजिला कहाँ से आया? पायरो ने मारा है ना तुम्हारे हस्बैंड को? हाँ सर, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गॉडजिला ने मारा है। मोहतरमा, ये जो आप बोल रहे हो वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद ही देख लो। कौन हो तुम? पायरो, तुमने मन को क्यों मारा? मरना तो उसे था ही, मैंने तो बस उसे उसके किए की सजा दी है। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा जो तुमने उसको मार दिया? तुम्हें पता है मेरे सारे प्रोजेक्ट फेल क्यों होते थे? क्योंकि उन सबके पीछे मन का हाथ था। वो मेरे लैब में आके मेरे प्रोजेक्ट के साथ कीड़े कांडी करता था, जिससे मेरे प्रोजेक्ट क्रैश हो जाते थे, और उसी की वजह से हमारी शादी नहीं हुई। जब तुम्हें ये सब पता था तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खैर छोड़ो, अब ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? कैसी हेल्प? तुम प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना कि मैंने मन को मारा है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू सो मच साक्षी, चलो अब मैं चलता हूँ। देख लिया सर, अब यकीन हो गया आपको? हाँ देखा ना, आपकी स्टोरी बहुत मस्त थी, लेकिन आपने गलत इंसान को कॉल कर दिया। आपको मुझे नहीं बल्कि करण जोकर को कॉल करना चाहिए था, क्योंकि वही ये सब इलॉजिकल स्टोरीज प्रोड्यूस करता है। सर, मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरे बात का विश्वास करो। कुछ फायदा नहीं है, देख अच्छा खासा घर पे रोटी चावल ये सब भाजी वीजी बना तो घर संभाल, ये सब चाले मत कर। देखो मैडम, मेरे पास आपके बकवास सुनने के अलावा भी बहुत काम है, इसलिए प्लीज मुझे दोबारा कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। चलो अब मैं कॉल रखता हूँ। क्या हुआ सर, किसका कॉल था? अरे पता नहीं, किसी बावली का कॉल था। पहले वो बोली कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो गया और मर्डरर मेरा ही फ्रेंड पायरो है। फिर थोड़े देर बाद बोलती है कि मेरे हस्बैंड को गॉडजिला ने मारा है। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, हमारे रैंगल में तो एक भी गॉडजिला नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी कब से उसे यही समझा रहा था, लेकिन वो बस एक ही बात रटे जा रही थी कि सर प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को गॉडजिला नहीं मारा है। फिर मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ, मैंने कॉल ही कट कर दिया। सही किया सर, चलो अब ये सब छोड़ो, आ जाओ चाय पीने चलते हैं। हाँ चल। अरे वो भाई वहां क्या कर रहे हैं? एक काम करता हूँ, पास जाके देखता हूँ। भाई आप ये क्या कर रहे हो? मूत रहा हूँ, पकड़ेगा क्या? भाई जरा तमीज से बात करो। अगर मैंने तमीज से बात नहीं की तो तू क्या करेगा बे? देखो भाई, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अच्छा तो अब तू मुझे मेरी लिमिट बताएगा? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? जिस तरह से आप बात कर रहे हो उससे इतना तो पक्का हो गया कि आप बहुत बड़े नल्ले हो। साले तूने मुझे नल्ला बोला, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। ये ले मुक्का खा। बेटा तूने मुझ पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया, अब तुझे मरना होगा। अच्छा तो अब तू मारेगा मुझे, चल मार के दिखा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ क्या हुआ लड़के, तू यहाँ क्यों आया है? सर मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूँ। सर रोजोक में गॉडजिला ने एक आदमी को मार दिया। अबे तू पागल हो गया है क्या, हमारे इरेंगल में गॉडजिला कहाँ से आया? सर एक्चुअली गॉडजिला एक इंसान है, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। मुझे पता है वो इंसान कौन है, तुम एक काम करो अभी अपने घर जाओ, हम लोग उसे जल्दी पकड़ लेंगे। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट।
अरे सर, ये तो वही स्टोरी सुना रहा है जो सुबह वो लड़की सुना रही थी। नहीं लोखंडे, ये कोई स्टोरी नहीं है, वो सुबह वाली लड़की सच बोल रही थी, लेकिन हमने उसके बात को मजाक में ले लिया। तो फिर अब क्या करें सर? तुम एक काम करो, अपनी दो टीम निकालो, एक टीम को रोजोक भेजो पायरो को पकड़ने के लिए, और दूसरी टीम को इरेंगल में नाकाबंदी करने बोल दो, जिससे आम आदमी सुरक्षित रहे। ठीक है सर, मैं अभी सबको तैयार करता हूँ। हेलो मैम। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर विनोद बोल रहा हूँ। क्या बात है सर, आपने मुझे कैसे कॉल किया? आपके सारे काम खत्म हो गए क्या जो आप मेरी बकवास सुनने आ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी सुबह के लिए, और रही बात कॉल की, तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे आपकी हेल्प चाहिए पायरो को पकड़ने के लिए। आप क्यों पकड़ रहे हो पायरो को? आपको तो मेरी बात झूठ लग रही थी ना? झूठ लग रही थी, पर अब मुझे यकीन हो गया कि आप सच बोल रहे थे, इसलिए क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हो? अच्छा ठीक है, बोलो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे उस वक्त के सारे डिटेल्स चाहिए जब पायरो आपके घर आया था। आ जाओ सर, आपको मैं फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ। पायरो, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ उससे कुछ बात करने आया हूँ। पायरो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई सीन क्रिएट हो। मैं यहाँ पे कोई सीन क्रिएट करने नहीं आया हूँ, मुझे बस उससे बात करनी है। क्या हुआ बेबी, कौन आया है? अरे पायरो तू? हाँ मैं, और मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलना, क्या बात करनी है? ऐसे नहीं, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। बेबी तुम अंदर जाओ, मैं बात करके आता हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो तुम लोग मेरे सामने नहीं कर सकते? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी तुम अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। फिर इसके बाद की स्टोरी तो आपको पता ही है। थैंक यू सो मच मैम हमारी हेल्प करने के लिए, एंड आई प्रॉमिस मैं पायरो को जल्द से जल्द पकड़ लूंगा, और उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। चलो अब मैं कॉल रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अरे यार 2 घंटे हो गए लेकिन मेरा खड़ूस बॉस मुझे जाने नहीं दे रहा, पता नहीं पायरो वहाँ किस हालत में होगा, मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, बॉस को बिना बताए यहाँ से कट लेता हूँ। कहाँ जा रहा है हीरो? अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था सर, लेकिन आपने ऐसा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है? वो क्या है ना, इरेंगल में गॉडजिला आ गया है जो सबको मार रहा है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए हमने नाकाबंदी लगाई है। लेकिन आपको इरेंगल में गॉडजिला कहाँ दिखा सर? मुझे नहीं दिखा, हमारे पास 2 कंप्लेन आए इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। वैसे तुम अभी अपने घर जाओ, ऐसे बाहर रहना सेफ नहीं है। ठीक है सर। हेलो चिल्लम। हाँ विनोद सर बोलो। अरे तू वो साइंटिस्ट पायरो को पहचानता है क्या? पायरो साइंटिस्ट वही है ना जिसका मिलिट्री बेस पे लैब है? हाँ वही। लेकिन क्या हुआ सर, आप ऐसे अचानक उसकी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके खिलाफ मेरे पास 2 कंप्लेन आया कि वो गॉडजिला बनके लोगों को मार रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, सच्ची? हाँ चिल्लम सच्ची। तो फिर अब क्या करें सर? तू अपनी एक स्पेशल टीम लेके रोजोक जा, क्योंकि पायरो आखिरी बार रोजोक में ही दिखा था, और हाँ उसे कोई चोट मत पहुंचाना, वो मुझे जिंदा चाहिए। ठीक है सर, चलो अब मैं कॉल रखता हूँ। हेलो पायरो। अरे क्या यार तजदा, तू कहाँ है भाई, मैं तेरा कब से रोजोक पे वेट कर रहा हूँ। आई एम सॉरी भाई, वो मेरा बॉस मुझे जाने नहीं दे रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया तेरे पास। भाई तुझे पता भी है मैंने क्या कर दिया? हाँ मुझे सब पता है, इनफैक्ट अब सारे रेंगल के लोगों को पता चल गया है कि रेंगल में एक गॉडजिला आ गया है और वो सबको मार रहा है। लेकिन भाई मैं सबको थोड़ी मार रहा हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तू किसी को बिना मतलब का नहीं मारेगा, पर तेरे खिलाफ 2 लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की है, इसलिए मेरी बात मान और सरेंडर कर दे। भाई अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो वो लोग मुझे मार देंगे। पागल है क्या, सरेंडर करने पे कौन मारता है? अगर तूने सरेंडर नहीं किया तो फिर वो तुझे पक्का मारेंगे। अच्छा ठीक है भाई मैं सरेंडर कर रहा हूँ। हेलो रसूल, मेरी बात ध्यान से सुन, हमारे जितने भी टास्क फोर्स है सबको ये नोटिस दे दे कि हमें वो मिलिट्री बेस वाले साइंटिस्ट पायरो का एनकाउंटर करना है, क्योंकि वो गॉडजिला बनके सबको मार रहा है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, क्या चिल्लम पायरो का एनकाउंटर कर देगा या फिर पायरो पहले पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देगा। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो में आना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।